है, ज्यादातर आईपीओज ने निवेशकों को निराश ही किया है। इस पर और डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अरमान नाहर है। अरमान, 2022 आईपीओ के लिहाज से निवेशकों के लिए खासतौर पर निराशाजनक रहा है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? 2022 में मार्केट में तो जो दबाव देखने के लिए मिल ही रहा है, उसका असर आप आपको आईपीओ मार्केट में भी देखने के लिए मिल रहा है। कुल मिला के जो 16 कंपनियां लिस्ट हुई हैं, उसमें से 7 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने इश्यू प्राइस से अभी भी नीचे हैं, जो कि औसतन अगर 45% जो आईपीओ आए हैं उन्होंने निवेशकों को निराश किया है। अब अगर पिछले साल के तुलना करें अगर, तो पिछले साल जब आईपीओ के लिस्टिंग के दिन औसतन जो गेन था वो 25% का था, जो घट के इस बार मात्र 8% रह गया। एक उसका मुख्य कारण ये भी है कि जो एफपीआईज की लगातार बिकवाली आ रही है, अभी तक लगभग एफपीआईज ने 1.7 लाख करोड़ की बिकवाली कर दी है, और इसी के कारण आपको आईपीओ में एफपीआई की तरफ से सुस्त रिस्पॉन्स देखने के लिए भी मिल रहा है। एलआईसी का जो 21,000 करोड़ का आईपीओ था, उसमें एफपीआई ने कुल मिला के सिर्फ 1,800 करोड़ की बिड लगाई थी। अब कौन से ऐसे मुख्य ऐसे आईपीओ में थे जो जिन्होंने लिस्टिंग के बाद और लिस्टिंग के समय भी बहुत पुअर रिस्पॉन्स दिया, जिसमें आपको एजेस ट्रांजेक्ट दिखेगा जो अपने इश्यू प्राइस से लगभग 49% नीचे है, उमा एक्सपोर्ट दिखेगा वो भी 19% नीचे है, और इस सूची में एलआईसी, इथोस, रेनबो, प्रूडेंट कॉर्पोरेट ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आईपीओ के बाद सुस्त रिस्पॉन्स दिया है।